मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सियर इंटरनेशनल स्कूल। तो आज हम लोग अपना एक टॉपिक करेंगे जो बीच में स्किप हो गया था, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, मीन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अब तक थ्री मेथड थे, डायरेक्ट, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन जो है वो आपके सिलेबस से इस बार रिमूव हो चुका है, तो हमारे पास एक ही मेथड रह गया, अज्यूम मीन और एक डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपना अज्यूम मीन मेथड। ठीक, अच्छा, सबसे पहले बात आती है इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, अज्यूम मीन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो है एक्स बार, मतलब मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि एक एक वर्ड यहाँ पे क्या है। ए क्या है? मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई। आप एक्स आई की वैल्यूज निकालोगे, ठीक, उसमें जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक्स आई। ठीक है, वैसे तो देखिए जो ए है वो क्या होता है, एक तरह से हम खुद सपोज करते हैं, तो एक्स आई में से आप कोई भी एक वैल्यू चूज कर सकते हैं, कोई भी, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? ए। लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ए हम जनरली क्या लेके चलते हैं, जितने भी एक्स आई होंगे उसकी मिडिल वैल्यू। ठीक, फिर उसके बाद आती है यहाँ पे एक और चीज आ रही है एफ आई। एफ आई मतलब क्या है? फ्रिक्वेंसी, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद है डी आई। डी आई किसकी इक्वल होता है? एक्स आई माइनस ए के। ठीक, अब देखो क्वेश्चन करेंगे उससे आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये डाटा गिवन है, यहाँ पे है नंबर ऑफ प्लांट्स और यहाँ पे है नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? क्लास इंटरवल, और ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई। ठीक, अब बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले ये देखो हमें क्या चाहिए, ए डी आई दोनों वैल्यू चाहिए, एफ आई तो है, एफ आई मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू कब आएगी? जब हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? एक्स आई। ठीक, तो पहला काम क्या है, हम अपना एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स आई क्या है अपना? वही क्लास मार्क, किसके इक्वल होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्स आई किसके इक्वल होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना दी अपनी एक्स आई। ठीक, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, 2 प्लस 0 2 डिवाइड बाय 2, एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, ऐसे ही अपर लिमिट 4 प्लस लोअर लिमिट 2, 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारे पास? 3। ठीक है, ऐसे ही अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 4, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही ये आ जाएगा 7, 9, 11 और ये हो गया 13। ठीक है, एक्स आई निकालने में तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है। एक्स आई किसके इक्वल है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपको बताया है ए। ए क्या है? मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई। वैसे तो देखो ए आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो एक्स आई की, ठीक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ए हम क्या लेते हैं? एक्स आई में जो बीच वाली वैल्यू है, जैसे देखो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मिड वैल्यू कौन सी रहेगी? ये 7 ही बनेगी मिड वैल्यू, 3 ऊपर 3 नीचे। ठीक, तो ए हमने क्या मान के चल लिया अपना 7। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा, अब देखो और हमें क्या चाहिए? अब डी आई। डी आई किसके इक्वल है? एक्स आई माइनस ए। तो नेक्स्ट टेबल किसकी बनेगी? एक्स आई माइनस ए, दैट इज डी आई। ठीक, अब डी आई किसके इक्वल? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से अपना ए माइनस करते चलो, ए हमने क्या सपोज कर लिया? 7। ठीक, तो 1 माइनस 7, ये ध्यान रखना है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है, तो 1 माइनस 7 कितना हो गया? ये माइनस 6। ठीक, फिर एक्स आई माइनस ए, 3 माइनस 7 कितना हो गया? ये माइनस 4। एक्स आई माइनस ए, 5 माइनस 7 कितना हो गया? ये माइनस 2। एक्स आई माइनस ए, 7 माइनस 7 कितना हो गया? ये 0। एक्स आई माइनस ए, 9 माइनस 7 कितना हो गया? 2। एक्स आई माइनस ए, 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4। एक्स आई माइनस ए, 13 माइनस 7 कितना हो गया हमारे पास? ये 6। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, डी आई कैसे निकलेगा? एक्स आई माइनस ए। ध्यान ये रखना है कि एक्स आई में से ही ए को माइनस करना है। ठीक, माइनस साइन आता है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक वैसे आधे माइनस कहेंगे और आधे कहेंगे प्लस के। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, अब आ गया जो, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? डी आई की वैल्यू आ गई और ए आ गया। ठीक, लेकिन फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब एफ आई डी आई का सम। ठीक, तो एफ आई डी आई मतलब क्या है? हमें फ्रिक्वेंसी और डी आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टेबल किसकी बनेगी? एफ आई डी आई।
ये सारी टेबल किसकी है, डी आई की, ये सारी टेबल किसकी है, एफ आई की, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 1 × −6 − 6, ठीक, 2 × −4 − 8, 1 × −2 − 2, 5 × 0 = 0, 6 × 2 = 12, 2 × 4 = 8, 3 × 6 = 18। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एफ आई डी आई कैसे आया, ठीक है। बस अब ए और हम एफ आई डी आई सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। अब अपने फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, ए, ए तो आ गया 7, और क्या हमें रिक्वायर्ड है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब एफ आई डी आई की सारी वैल्यूज को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक, करो इनको ऐड, −6 − 8 कितना हो गया ये, −14 − 14 − 2 कितना हो गया ये, −16, ठीक है, प्लस में 0, 0 प्लस का कोई मतलब नहीं है, −16 रहेगा, ठीक। यहाँ पे करो 18 + 8 कितना हो गया, 26, 26 और 12 कितना हो गया हमारे पास ये, 38 यही रहेगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो तो ये आ गया आपके पास 22, तो समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 22। यहाँ तक क्लियर हुआ कि समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू 22, इतना क्लियर। और हमें क्या चाहिए, समेशन एफ आई मतलब सारी फ्रिक्वेंसीज का सम, सारी फ्रिक्वेंसी का सम, तो कितना बनेगा, 1 + 2 = 3 = 4, और ये हो गया 9, 9 और 6 = 15, 15 और ये हमारे पास हो गए 20। समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। बस अब अपना मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए, ए आपको बता दिया गया है कि ए आप एक्स आई की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ए क्या है, कोई भी वैल्यू है किसकी, एक्स आई की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक्स आई हम क्या लेते हैं, सॉरी ए हम क्या लेते हैं, एक्स आई की मिडल वैल्यू, बीच में जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो हम लेंगे अपना ए, ठीक है। अंतर अब देखो यहाँ हमने ए कितना मान लिया, 7, ये हो गया 7 प्लस समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई कितना आया मेरे पास, 22 डिवाइड बाई समेशन एफ आई, समेशन एफ आई कितना आया, 20, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 7 प्लस ये 11 से ये 10 से, ये हो गया हमारे पास 1.1, 7 प्लस 1.1 कितना आ गया, 8.1, ये आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, सिर्फ अपने फॉर्मूले पे फोकस रखना है कि हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि हमें ए चाहिए, ए क्या बताया है, वैसे तो एक्स आई की कोई भी वैल्यू, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कौन सी वैल्यू लेते हैं जो एक्स आई की बीच में यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है, वो वाली। अच्छा, उसके बाद डी आई किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस ए के इक्वल, ठीक। और आपका आंसर हो सकता है कि अज्यूमिंग से और स्टेप जो अपना सिंपल मेथड है उससे आंसर डिफरेंस वैसे नहीं आएगा, सेम ही आता है, डिफरेंस आ सकता है तो सिर्फ पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का ही, हाँ जी। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, वही हमारे पास एजेस गिवन है और नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है, ठीक। आपको मीन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग अज्यूमिंग मेथड, ठीक है। तो अज्यूमिंग मेथड के लिए फॉर्मूला अपना यही है, सबसे पहले बात आती है ए की, ए क्या बताया था, आप एक्स आई की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ए क्या लेते हैं, मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है, एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स आई इज क्लास मार्क दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 15 + 5 = 20, 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया ये, 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, 20, 30, 40, 50 एंड दिस इज लास्ट इज 60। एक्स आई तो क्लियर हो गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ए की, तो आप ध्यान दोगे इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास जो डाटा था उसमें कितने हमारे पास डाटा में 7 डिजिट थी, ठीक। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, 4th वाली हो गई, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान दोगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 30 और 40, ये दोनों मिडिल मोस्ट वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी को भी अपना ए सपोज कर सकते हो, ठीक। मैंने ए सपोज कर लिया किसको, 40, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए आप कंप्लीट एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, ठीक। इजी करने के लिए यहाँ से बीच में से एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं, ए आ गया कितना, 40, ठीक। अच्छा, अब ए की वैल्यू आ गई, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी आई, डी आई किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस ए। अब देखो एक्स आई की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 40, 10 − 40 कितना हो गया ये, −30, 20 − 40 −20, 30 − 40 −10, 40 − 40 0, 50 − 40 10, 60 − 40 कितना हो गया हमारे पास ये, 20। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारे पास डी आई की वैल्यू आ गई और ए आ गया, ठीक।
देखिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब अब हमें एक और टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी इसकी एफ आई इंटू डी आई की। ठीक, बना लो यहाँ से टेबल, ये हो गया एफ आई डी आई। अब ध्यान दो एफ आई क्या होगा, जो ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है इसका काम करेंगे एफ आई का, तो एफ आई 6 और डी आई कितना हो गया -30। 6 इंटू -30 कितना आ गया, ये -180। 11 इंटू -20 कितना आ गया -220। क्लियर, 21 इंटू -10 -210। 23 इंटू 0 0। 14 इंटू 10 कितना हो गया ये 140। 5 इंटू 20 कितना हो गया हमारे पास ये 100। फिर हमने ये क्या फाइंड आउट कर दिया अपना एफ आई डी आई, कॉरेस्पॉन्डिंग एफ आई को उसके डी आई से मल्टीप्लाई करते चले गए। ठीक, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब एफ आई डी आई की सारी वैल्यूज का सम, समेशन एफ आई डी आई। एड जो है बिल्कुल ध्यान से करना है, माइनस प्लस में गलती नहीं करना। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे कितना है, पहले इनको ऐड कर देते, कितना है ये 18 22 21 10 11 1 कैरी, ये हो गया 61। तो इनको ऐड किया तो कितना आ रहा है -610। ठीक, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया ये 240, यही आएगा। तो ये आपके पास कितना रह गया, हमारे पास 370 बचेगा। ठीक है, और साइन क्या रहेगा इसका, माइनस का 370। तो समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई, -370। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा, और हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई। समेशन एफ आई मतलब क्या है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी का आप सम कर लो, समेशन एफ आई किसके इक्वल होगा, 6 + 11 कितना हो गया 17 प्लस ये यहाँ पे है 21 23, और ये हो गया हमारे पास 19। 20 का 2 कैरी, हमारे पास कितना आ गया 80। तो समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, बस अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। मीन इज इक्वल्स टू, मीन इसके इक्वल हो जाएगा ए। ए हमने क्या सपोज किया था, 40। बिल्कुल ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू कहाँ से लेनी है हमें, एक्स आई से। ठीक है, तो कौन सी, मिडल मोस्ट वैल्यू, बीच में से कोई भी, जैसे इवन है तो कोई भी दो में से एक ले लो, ऑड है तो आपको पता चल जाएगा कि मिड वाली वैल्यू कौन सी है। ठीक, 40 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना हो गया ये -370 डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना हो गया 80। क्लियर, इसको कैंसिल करेंगे, ये हो गया 40 माइनस, ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारे पास 37 डिवाइड बाय 8, ये बनेगा। अब ये किससे जा रहा है हमारे पास, इसको हम कर देते हैं 4 से 4.6। क्लियर, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया बस 35.4, दिस विल बी योर मीन। क्लियर हो गया, कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल मेथड से भी या फिर एज्यूम मीन से, आंसर सेम आएगा। डिफरेंस हो सकता है तो सिर्फ पॉइंट्स में वैल्यू डिफरेंशिएट कर सकती है, इसके अलावा बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों करा दिए जिसमें इवन नंबर ऑफ डाटा होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ डाटा होगा। ठीक, ध्यान अपना यही रखना है, ए हमें कहाँ से लेना है, एक्स आई में से। वैसे तो एक्स आई की कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक्स आई की मिडल वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, डी आई किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस ए। ध्यान रखना एक्स आई में से ही ए माइनस करना है, आधे साइन माइनस आएंगे और आधे प्लस आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, एफ आई डी आई, नेक्स्ट टेबल किसकी बनेगी, एफ आई डी आई। एफ आई और डी आई को कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते चलो, जैसे इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा 6 × -30 11 × -20, ये बन गई टेबल। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, सारे जो हमारे पास एफ आई डी आई है उनका सम, और क्या रिक्वायर्ड है, समेशन एफ आई मतलब सारी फ्रिक्वेंसीज का सम। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक,